वेद पुराण एवं किसी भी अन्य शास्त्र में सहस्र देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, परंतु सभी शास्त्रों में परमेश्वर को ही अन्यतम माना गया है, अर्थात वो जो देव दैत्य एवं मनुष्यों के आराध्य हैं, वो जो सृष्टि स्थिति एवं विनाश के मूल हैं, वो जो निराकार रूपी परब्रह्म हैं, वो जो ध्वनि में ओंकार हैं, वो जो वचन में सत्य हैं, या वो जो आदि एवं अनंत हैं। वेदों में परमात्मा को निर्गुण निराकार परब्रह्म रूप में वर्णित किया गया है। उपनिषद शक्ति स्वरूप परमेश्वर को दर्शाता है और भिन्न मत भिन्न देवताओं को प्रमुख बताता है, परंतु देवों के आदि देव केवल शिव को कहा जाता है। वह महादेव हैं, वही स्वयंभू हैं। कोई नारायण को परब्रह्म मानते हैं और कोई शक्ति को, वही शैव मत के अनुसार शिव ही निर्गुण परब्रह्म हैं। यह सकल मत एक दूसरे का खंडन नहीं करते हैं, जबकि यह सनातन शास्त्र को समझने की जटिलता को दर्शाता है। वेद परब्रह्म के तीन तत्वों का वर्णन करता है, अरूप, रूपारूप एवं स्वरूप। इसमें से अरूप ही स्थायी तत्व है। अस्थायी तत्वों में रूपारूप एवं स्वरूप को रखा गया है। अरूप अर्थात निराकार परब्रह्म सदाशिव, जो निराकार है, निर्गुण है, आदि एवं अनंत है। इनका कोई रूप नहीं, परंतु वो हर अणुमात्र में है। वह परम तत्व है, वही परम सत्य है। इन्हें अनुभव करने के लिए योगी युगों युगों तक साधना करते हैं। इन्हें प्राप्त करना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। इनकी कोई छवि नहीं, ना ही इनका कोई स्वरूप है। इन्हें केवल अति कठोर साधना से अनुभव किया जा सकता है। रूपारूप अर्थात आदि शक्ति, वो निराकार को आकार देती है। वो शक्ति रूप में सकल दिशाओं में व्याप्त हैं। इन्हें दर्शन एवं अनुभव किया जा सकता है, परंतु इनका कोई स्थायी रूप नहीं है। एवं स्वरूप अर्थात सत्य नारायण, वो त्रिगुणातीत हैं। वो ब्रह्मा, वह विष्णु एवं वही महेश भी हैं। वो देवों में इंद्र, आदित्यों में सूर्य एवं मनुष्य में मनु हैं। वे अंतरात्मा के रूप में सकल जीवों में स्थित हैं। वो जीव चेतना एवं वही विवेक हैं। वह मायाप्ति हैं एवं संपूर्ण ब्रह्मांड उनका ही रूप है। वह निराकार एवं शक्ति के सम्मिलित रूप हैं। इन्हें स्थायी रूप में दर्शन एवं अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा के अरूप, रूपारूप एवं स्वरूप तत्व को आज के युग का विज्ञान वायु, तरल एवं ठोस पदार्थ रूप में चिन्हित करता है। निराकार एवं शक्ति परमात्मा के दो पहलू हैं। यह दोनों एक ही परमात्मा के दो भिन्न तत्व हैं। सदाशिव निराकार हैं, तो माँ आदि पराशक्ति उनकी अर्धांगिनी। निराकार शांत एवं स्थिर है, तो शक्ति अस्थिर एवं चंचला है, और इस विशाल निराकार में शक्ति बंधी हुई है। सनातन ज्ञान को समझना जितना सरल है, उतना ही कठिन है इसके गुण तत्वों को समझना। प्रत्येक कल्प में निराकार सदाशिव ने आकार धारण किया है। आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से सनातन संस्कृति के रहस्यों को उजागर करने की चेष्टा करेंगे। शिव को संपूर्ण रूप से समझने के लिए हमें तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान एवं आत्मज्ञान की आवश्यकता है। हमें जो ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त हुआ है, आज उसी ज्ञान को अवलंबन करके हम इस प्रस्तुति को आप सभी के साथ साझा करने की स्पर्धा कर रहे हैं। इस विषय की संपूर्ण ज्ञान जन समाज को देने के लिए हम यह श्रृंखला 10 भागों में प्रस्तुत करेंगे, और आज के इस भाग में हम जानेंगे कैसे निराकार सदाशिव अरूप तत्व से रूपारूप तत्व में परिणत हुए, कैसे वह स्वरूप तत्व में अवतीर्ण हुए, और कैसे निराकार सदाशिव परमेश्वर अर्थात महादेव बने। परंतु शुरू करने से पहले हम अपने सभी अनुदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपके छोटे से छोटा अनुदान भी हमारे इस कार्य को और भी उन्नत एवं दृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। कृपया हमें ऐसे ही सहायता करते रहें। आप सभी के कृपा एवं परमेश्वर के आशीर्वाद से हम अति प्राचीन सनातन ज्ञान को आप सभी के साथ साझा कर सकेंगे। इसीलिए हमने एक विशाल सनातन मंडल का निर्माण किया है, जहां हम आपके सकल आध्यात्मिक प्रश्नों का समाधान करेंगे एवं आपको वेद ज्ञान, बृहद ज्ञान एवं आत्मज्ञान से परिचित कराएंगे। कृपया सहायता प्रदान करते समय अपना व्हाट्सएप नंबर हमें प्रदान करें, और अपने नवीनतम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
एवं नियमित रूप से हमारे सकल नवीनतम प्रस्तुतियों के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटे को बजाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रुद्राष्टकम के द्वितीय श्लोक में निराकार रूपी परमेश्वर का वर्णन किया गया है। निराकार मोकार मूलं तुरीय गिरा ज्ञान गोतीत मीश गिरीशम करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारण नतोहम। इस श्लोक का अर्थ है, जो निराकार हैं, ओंकार हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं, जो वाणी एवं सप्तस्वर हैं, जो सभी ज्ञान एवं इंद्रियों से परे हैं, जो कैलाशपति हैं, जो विकराल हैं, जो महाकाल के भी काल हैं, जो कृपालु हैं, जो समस्त गुणों के परम धाम हैं, इस संसार से परे उस परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रत्येक कल्प के अंत में यह संपूर्ण सृष्टि की शक्ति एवं समय निराकार में विलीन हो जाता है। इसके उपरांत केवल निस्तब्धता, अंधकार एवं शांति रह जाता है। शक्ति लुप्त होने के कारण सदाशिव निस्तेज हो जाते हैं और निराकारी सदाशिव घोर साधना में समाधिस्थ हो जाते हैं। जब सदाशिव ध्यान से जागते हैं, वह निस्तब्धता से घिरे हुए रहते हैं। पुनः शक्ति को जगाने के लिए वह हुंकार लगाते हैं। यह हुंकार ही ओंकार है। इसी ओंकार में शिव की शक्ति विराज करती है। इस निराकार एवं शक्ति के मिलाप से पुनः एक नवीन कल्प का आरंभ होता है और शिव शक्ति के मिलाप से एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है। लिंग का वास्तविक अर्थ है प्रतीक चिन्ह एवं योनि का अर्थ है सृष्टि या प्रकृति। पूर्ण अर्थ में सृष्टि का प्रतीक चिन्ह है शिवलिंग, जिसका अग्रभाग सदाशिव है एवं पृष्ठभाग शक्ति, यही हिरण्यगर्भ है। इसी हिरण्यगर्भ से प्रत्येक कल्प में सत्यनारायण स्वरूप में शिव शक्ति का आविर्भाव हुआ है। इस सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड हैं और उन सकल ब्रह्मांडों के अपने ब्रह्मा विष्णु एवं महेश होते हैं, परंतु संपूर्ण सृष्टि में केवल एक ही सत्यनारायण है। प्रत्येक कल्प में इन्हीं से सृष्टि के रचना का आरंभ होता है। इनके नाभि से जन्म लेते हैं महाब्रह्मा। योग निद्रा में लीन नारायण से अपने परिचय प्राप्त करने के लिए व्याकुल महाब्रह्मा परम तत्व के साधना में समाधिस्थ होते हैं। इसी साधना से संतुष्ट होकर अरूप परम तत्व स्वरूप आकार धारण करते हैं, जिन्हें सनातन शास्त्र में स्वयंभू के नाम से चिन्हित किया गया है। वह आदि देव हैं, वही सत्य हैं एवं वही परम तत्व हैं। महाब्रह्मा के तपस्या से संतुष्ट होकर वह ज्योतिर्लिंग से प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर महाब्रह्मा उनका स्तुति पाठ करते हैं। प्रत्येक कल्प के आरंभ में महाब्रह्मा परम तत्व को प्राप्त करते हैं। इसीलिए परम तत्व को अनुभव करने के ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। महाब्रह्मा के तप से संतुष्ट निराकार परमेश्वर प्रत्येक कल्प में स्वरूप धारण करते हैं। इस कल्प में निराकार परमेश्वर ने महेश्वर के नाम से स्वरूप धारण किया है और महाब्रह्मा ने उन्हें महादेव के नाम से संबोधित किया है। अगले भाग से हम जानेंगे 28 कल्पों में परमेश्वर ने कौन सा स्वरूप धारण किया था। वैदिक काल में शिव पुराण में 588,000 श्लोक थे, हालांकि बचे हुए पांडुलिपियों में हमें केवल 100,000 श्लोक मिलते हैं, परंतु आज भी सुदूर हिमालय में कुछ योगी पुरुष इस ज्ञान से हमें परिचित कराते हैं। परम भाग्य से मेरे गुरुदेव उन्हीं एक योगियों में से एक हैं, एवं इस प्रस्तुति में मैं उन्हीं से प्राप्त किया हुआ यह ज्ञान आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस कथा को सुनने वाले वेदविक के समस्त दर्शकों को परतत्व परमेश्वर की कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके जीवन से समस्त दुख, रोग, कलह, क्लेश एवं कष्ट दूर हो। अगर यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें। अगर हमें आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहें तो आप UPI के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा UPI है vedvik@sbi। आप चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। आप सभी अनुदाताओं से निवेदन है कि कृपया सहायता प्रदान करते समय अपना नाम एवं WhatsApp नंबर दें। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे इस श्रृंखला के दूसरे भाग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।